टू माई चैनल महरीन ब्लॉग्स। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी कुछ ठीक हूँ। और जी हाँ, मैं अपना नाश्ता बना रही थी तो पराठा मैंने बना लिया, चाय मेरी बन चुकी है और अस्लान को भी मैंने रेडी कर लिया है, बस अभी नाश्ता तैयार हो जाए। जी कल मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किस तरह से अस्लान को देती हूँ। हालांकि निकाल दिए कम से कम ये जो है 2 चम्मच है, ठीक है, और मैंने जो पानी डाला है वो 2 कप है, ठीक है। तो अब उसमें से जो है ना 1 कप जब रह जाएगा तो बस हम निकाल लेंगे। अब मैंने डाल दिया है तो अब ये पर पके, ये देखिए अभी जो है ना इसको बॉयल आ रहा है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी ताकि वो थोड़ा सा मीठा बन जाए। ये चीनी मैंने डाल दी, अभी जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये देखिए इसको बॉयल आ रहा है तो काफ़ी इसका पानी जो है ना मतलब कम हो चुका है। और अब ये जैसे कि ना मतलब ये 1/2 कप रह जाए तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो 1 ही कप चाहिए। अज़लान ये पीता है तो मैं अज़लान को इसलिए देती हूँ क्योंकि वो खाना नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता, तो ये उसके मैदे के लिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि इससे उसका मैदा अच्छा रहेगा और उसको भूख लगेगी। तो बच्चों को, जिस बच्चों को भूख नहीं लगती तो आप उनको, और जो खाते नहीं तो उनको इस तरीके से आप लोग पिलाएँ, इंशाल्लाह उनमें उसको भूख लगेगी। बाकी जो है आप जो है ना जैसे 1/2 कप रह जाए तो आप ना दूध ऐड कर सकते हैं इसमें। एक जी हमारा ये धनिया रेडी हो चुका है, बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, ये मैं स्नान करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है ना अभी निकाल के सारा स्ट्रिम कर लूँगी। जी अज़लान को मैंने इसमें दूध भी मिक्स करके दे दिया और ये 1 ही फीडर है जो बस 1 ही बार पिएगा। ये सारा मैंने ऐड कर दिया इसका। मैं ट्यूशन का करवा रही हूँ क्योंकि ट्यूशन का उसका टाइम होने वाला है और बहुत तंग कर रहा है। और अज़लान की काम देखें, यहाँ चेक करें। अच्छा जी, अरहम को भी बढ़ा रही हूँ साथ साथ, बहुत तंग कर रहा है अरहम। और शाम के टाइम ट्यूशन से आके नहीं पढ़ता क्योंकि वो थक जाता है सारा दिन पढ़ पढ़ के, तो फिर स्कूल से आके इसको ट्यूशन का काम करवाना होता है। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की क्योंकि मैं काम कर रही थी, फिर टाइम बहुत कम था। तो बस ये भी जैसे कि अंडे की ग्रेवी बनाई है ऐसे ही बनाई है बस, फिर कभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आज ये सालन बनाया था और अरम को ये भी बहुत पसंद है तो इसलिए वो ऐसी चीज़ें बहुत शौक से खाता है। अच्छा, दोपहर के खाना तो वैसे हम नहीं खाते लेकिन आज इसलिए खा रहे हैं कि बस आज नाश्ता जल्दी किया था। और बस तो ये है जो है ना, इसमें प्याज, टमाटर और थोड़ा सिरका, हरी मिर्च, ये सलाद ऐसी बनाई है। तो आज मैंने आप लोगों से कुछ शेयर नहीं किया और नमक भी डाला है तो चाट मसाला थोड़ा सा, बस आज टाइम नहीं था इसलिए शेयर नहीं किया। जब तक खाना खा लेते हैं तो मैंने कहा चाय भी रख लेती हूँ, तब तक चाय तैयार हो जाए। तो बस ये थोड़ी तैयार हो जाए तो फिर मैं खाना खाने के बाद इसको निकाल लूँगी, क्योंकि खाने के बाद आपको पता है मुझे चाय लाजमी चाहिए होती है। और आज अज़लान के लिए मैंने अंडा बॉयल किया, पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन मैंने फिर भी बॉयल करके रख दिया इसका, बाद में ट्राई करती हूँ उसको। अल्लाह हाफिज़। अरम का हेयर स्टाइल देखें आज। अज़ान किसी करो भैया को, किसी करो, किसी करो भैया को। बाय बाय अरम, बाय टाटा, चलो आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर अंदर चलो। अल्लाह। अच्छा, अज़लान तो सो चुका है और बस सही, दोपहर में बहुत कम सोता है, कभी कभार सो जाता है, कभी कभार नहीं सोता, जैसे कल नहीं सोया था तो अब इसको नींद आ चुकी है। तो बस इसको मैंने यही सुला दिया आज। और अज़लान नींद से उठ गया लेकिन इतनी ज़िद कर रहा है, अभी मुश्किल से फीड उठा रहा है, वरना दूध भी नहीं पी रहा था। पता नहीं क्या, मुझे लगता है इसको, इसकी तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही। अज़लान कहाँ हो मेरे बेबी को, मेरे बेबी को कहाँ हो गया। और अरम का भी आने का टाइम है तो उसके लिए मैं थोड़ा जूस बना लूँ, उसके जो है ना थोड़ा स्नैक्स में पापड़ ही फ्राई करके दे देती हूँ। और मेरी चाय भी रेडी हो गई है, बस अरम भी आने वाला है तो उसके लिए मैं टैंक बना लूँ। यहाँ मैंने अरम का टैंक भी रेडी कर लिया है क्योंकि अरम ट्यूशन से आने वाला है, तो मैंने टैंक बना के रख लूँ और चाय में इसको जो गिफ्ट डाल दूँगी। थोड़ा सा बर्फ़ डाल दिए
आपका टैंक रेडी हो चुका है और मैं इसके जा रही हूँ, इसका जूस फिल कर लिया है और अपने हस्बैंड के लिए भी बना लिया है, उनको भी बस वो जॉब से भी आने वाले तो उनके लिए मैंने बना के रख लिया है क्योंकि वो चाय नहीं पीते तो बस इसलिए मैंने उनके लिए जूस बनाया है। ये आपके पापा जो मैं कल लेके आई थी अभी इसके लिए वही बनाने। अजलान रेडी हो गया और उसके पापा उसको रेडी करें जी। अजलान, अजलान हाय बोलो। हाय हाय अजलान, हाय। चलो जा रहे हैं बाहर। अजलान 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 जो है खड़ा हो गया, देखिए भाई क्या हुआ। अजलान क्या हुआ, फिनिश। अजलान कभी नहीं बैठा, फर्स्ट टाइम बैठा है, उसके एक्सप्रेशन देखो। अजलान अजलान को चक्कर आ रहे हैं। अजलान क्या हुआ, चले अभी हम चल रहे हैं। नहीं आया तो वो बस खेल रहा था तो उसने कहा मैं चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। बस अजलान जी, अजलान को जो है झूलों के बाद जो है फिर मेरे टेस्ट जो मैंने करवाया था अपना कुछ दिन पहले, तो उसकी रिपोर्ट का मालूम करना था क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक हफ़्ता लग जाएगा। तो मैं भी, आप लोग जो है ना थर्सडे वाले दिन कंफर्म कर लीजिएगा, अगर आगे तो हम लोगों को जो है ना आप फिर भी आके पता कर लीजिएगा। तो वही फिर हम लोगों ने सोचा चलिए फिर हॉस्पिटल से पता कर लेते हैं, तो यहीं पे हम पता कर रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं अभी इसको आने में टाइम है क्योंकि इस रिपोर्ट को कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो अभी तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई तो उन्होंने यही सैटरडे को टाइम दिया है कि मैं भी वहाँ सैटरडे तक आ जाए, लेकिन हम फिर भी कंफर्म नहीं बता सकते जी। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी रिपोर्ट क्लियर आए क्योंकि मुझे बहुत टेंशन है मेरी रिपोर्ट की, क्योंकि रिपोर्ट आएगी तो फिर मेरे डॉक्टर ही आगे जो है ना मेडिसिन वगैरह दे सकती हैं, तब तक के लिए तो मेरा भी स्टॉप ही है क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब रहती है। और आज मैं यहीं तक शूट कर पाई हूँ, आज अरहम भी साथ नहीं चला तो वो घर पर ही है, तो बस हम भी थोड़ा बाहर ऐसे ही थोड़ी आउटिंग कर रहे थे। तो अब मैं यहाँ जाती हूँ, इजाज़त। और लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।